Hello everyone, I am Priyanka Bhardwaj and the topic that I have chosen today is suicide. तो आज की न्यूज़ जब सबने देखी होगी कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया. वो फेमस एक्टर जिन्होंने पवित्र रिश्ता में काम किया था, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ MS धोनी में केदारनाथ में काम किया था, और सुनने में आया कि वो 6 मंथ से डिप्रेशन में थे. तो आज की वीडियो मैंने सोचा फिर क्यों ना डिप्रेशन और इन्हीं चीज़ों पर बनाई जाए. ये जो कोरोना का टाइम है इस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं. चाहे उनको फिर कोई राशन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो उनकी प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं. ये रही कोरोना की बात. और जब हम अपने पर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे किसी का अपनी फैमिली में कोई रिलेशन है, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने मदर के साथ में, फादर के साथ में, या फिर कोई पर्सनल रिलेशन सच एज कोई बॉयफ्रेंड के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, भाई बहन का रिलेशन, तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपको स्ट्रेस दे रहे हैं आजकल. अगर हम बात करें कि ये रिलेशनशिप स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. जितना मुझे लगता है कि जो ये स्ट्रेस आ रहा है बेसिकली ये उस नेगेटिविटी की वजह से आ रहा है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है जिसको हम लोग फेस ही नहीं करते. या फिर हमें लगता है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम के लिए कोई स्टेप ले लिया तो इन फ्यूचर हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर हो सकता है उसके रिजल्ट पता नहीं क्या होंगे, और हम उस वजह से क्या करते हैं, चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखते हैं. जब हम बात करते हैं सीक्रेट्स की, तो हम जनरली बोलते हैं अच्छा मेरा ये सीक्रेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड इन सब सीक्रेट्स को जानता है. और अगर हम नॉर्मली अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में भी कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को कम्प्लीटली शेयर नहीं कर पाते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है, प्रॉब्लम ये है कि हम सब समझते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए. हम हमेशा से बोलते हैं कि फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोशल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए. जब हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वॉक पे चले गए, एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेट कर लिया. सोशल हेल्थ की भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ सबसे अच्छे से बात करो, आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, बट हम कभी वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते. और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में हमें कभी भी नहीं सिखाया जाता कि कैसे टैकल करना है. जब हम बात करते हैं कि यार मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो लोग बोलते हैं अच्छा तू तो साइको है, तू तो पागल है. बट एक्चुअल में ब्रेन जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको जो मेंटेन करना है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किसी को नहीं पता है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे अपनी लाइफ के साथ डील कर रहा है. मैं नहीं बोलती कि आप किसी की लाइफ के बारे में पूछो कि उसे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, बट इतना ज़रूर है कि किसी को इतने हद तक आप मोटिवेट कर सकते हो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे. वो अगर शेयर करे तो उस चीज़ का फन वे में लेना आई थिंक बहुत गंदी बात है. कोई अगर शेयर कर रहा है, कोई बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम में चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सुनो और उसको कोई सॉल्यूशन भी देना चाहिए उस चीज़ के लिए. बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ किसी ने हमें अपनी प्रॉब्लम बता दी, हम जाके उसको किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं. तो ये रहे उन चीज़ों के बाद जो हम डरते हैं कि हमें किसी को क्यों नहीं बताना है, क्योंकि ये आपकी बात को आगे ले जाएगा. अगर आगे ले गया तो नेगेटिव इमेज आएगी, राइट? फर्स्ट थिंग इज़ दिस. जो हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि हम बहुत सारे लोग इस टाइम पे क्या होता है कि मनी मैटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं. अच्छा मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को जॉब से लेके बहुत टेंशन हैं, मेरे पैसे नहीं बच रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. शेल्टर लकीली बहुत सारे लोगों के पास में है, फूड भी लकीली बहुत सारे लोगों के पास में है, और क्लोथ्स भी ऑलमोस्ट सब लोग अच्छे अफोर्ड कर पाते हैं. तो इस टाइम पे अगर हम अपनी एक्स्ट्रा जितनी भी हमारी चीज़ें हैं अगर उस पर हम थोड़ी सी रोक लगा सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बाय करते हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा भी हम एक लिमिट लगा सकें, तो शायद हम थोड़े बहुत पैसे अपने फूड के लिए भी बचा सकते हैं, जो कि हमारी बेसिक नीड है. क्योंकि नोबडी नोस कि किसके बिज़नेस कब तक चलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है. लॉकडाउन तो बेसिकली उन्होंने एंड कर ही दिया है, बट स्टिल हमें खुद से भी सेफ रहना है. ऑलराइट, अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें कि डिप्रेशन में कोई बंदा क्या फेस करता है, तो जितना मैंने देखा है कि अपने लाइफ में बहुत से टाइम्स में भी बहुत स्ट्रेसफुल रही हूँ. तो जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, अगर मैं किसी से मिलती थी तो आई वॉज सो हैप्पी, बहुत हंसूंगी, सब कुछ अच्छा चलता था. बट जैसे साइड में बैठती थी तो आई यूज़ टू ओवरथिंक. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है तो वो भी शायद डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है. क्योंकि आप एक ही चीज़ को लेके कॉन्टीन्यूसली सोचते रहते हो, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, चाहे आपको किसी ने आके कुछ बोल दिया है कि हाँ तेरे साथ ही में ये प्रॉब्लम है, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो उस चीज़ पर आप इतना ओवर थिंक करोगे कि मुझ में प्रॉब्लम है, मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ या क्या.
और जब डिप्रेशन होता है तो ऐसे नहीं है कि एक रीज़न की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा भी होता है कि कई बार बंदा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है और उन प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा सम अप उसके माइंड में हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को बोल नहीं पाता है। अगर वो शेयर भी करेगा तो उसको यही टेंशन रहती है कि मैंने शेयर भी कर दिया तो फ़ायदा क्या है शेयर करने का। बट जितना मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपनी कम्युनिटी में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करो, कोई बात नहीं, वो दो मिनट के लिए माना कि मजाक में फ्रेंड्स हंस जाएंगे या कुछ भी, बट थोड़ी देर बाद अल्टीमेटली वो आपको सीरियसली लेंगे ही लेंगे। बिकॉज ये जो वाली हमारी लाइफ है इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने स्ट्रेस में रहना क्या फ़ायदा इस लाइफ का। हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं अगले जन्म में मिलेंगे, हु नोज कि अगला जन्म है भी या नहीं है, क्या पता अगला जन्म है ही नहीं। तो इस लाइफ में अगर हम आए हैं तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग खुल के जियो यार, किसी बात की टेंशन मत लो। अब इतने सारे जो एक्टर्स, जैसे अभी कितने सारे एक्टर्स की डेथ हुई है प्लस एक्टर ने सुसाइड कर लिया है, तो एक्चुअली ये हमारे रोल मॉडल्स होते हैं एक्टर। बहुत सारे लोगों के जो एक्टर्स हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, वो उनको देखेंगे कि सुसाइड किया वो खुद भी वैसी हरकतें करना शुरू कर देंगे। तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहती हूँ कि चाहे आपके वो रोल मॉडल्स हैं चाहे फ्रेंड्स हैं, आप सबसे एडवाइस लो। आपको एडवाइस नहीं लेनी तो एडिट शेयर तो करो, सो दैट जितना आपके माइंड में बर्डन है वो कम से कम कम तो हो पाए। सो जस्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यार प्लीज़ से नो टू डिप्रेशन, नो टू स्ट्रेस एंड से येस टू शेयरिंग, क्योंकि यही की टूल है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं। और आई थिंक अगर इस स्पीच से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया या फिर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपके स्ट्रेस में कुछ कमी आई है तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपकी जो फैमिली है उनसे बात करो। अगर आप ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ तो एटलीस्ट बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल हेल्प यू, क्योंकि सब लोग आजकल समझते हैं। सो दैट्स ऑल एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप में से कोई भी स्ट्रेस ना ले, कोई भी डिप्रेशन ना ले। थैंक यू सो मच।